Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 10th lecture of Geometrical Optics. So, bachcho, is lecture mein basically hum log padhne wale hain about optical instruments. And optical instruments ki agar baat karein, to sabse important optical instrument jo humare liye hai, wo kaun sa hai? Our own eye, hai na? The human eye. To dekhiye bachcho, hum log आंख की मदद से ही क्या करते हैं, वी एक्चुअली सी द लाइट, है ना। जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है वो हमारी आंखों में एंटर करती है और उसके थ्रू हम लोग इंटरप्रेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, है ना। तो देखते हैं कि हमारी आंखों में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें मिल करके हमारे को ये जो इमेज है उसको देखने में हेल्प करती है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो होता है बाहर कॉर्निया, है ना। तो कॉर्निया क्या है? The front portion is more sharply curved and is covered by a transparent protective membrane called the cornea. तो cornea basically क्या है? Transparent protective membrane, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं diagram में cornea कहाँ पर है ना, ये जो पहला portion है वो क्या है? Cornea है। It is this portion which is visible from outside when light enters the eye from air. ये बहुत important बात है कि मोस्ट ऑफ द बेंडिंग अकर्स एट द कॉर्निया इटसेल्फ बिकॉज देयर इज अ शार्प चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। बाहर एयर है तो एयर से सडनली जब वो इस मीडियम में एंटर कर रही है तो बहुत सडन चेंज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द बेंडिंग यहीं पर अकर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में, है ना। तो कॉर्निया के ठीक पीछे बिहाइंड द कॉर्निया वी हैव अ स्पेस फिल्ड विथ अ लिक्विड। तो एक्वस ह्यूमर क्या है? एक लिक्विड है ना, जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर एंड बिहाइंड दैट अ क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा यहां तक कि कॉर्निया के पीछे क्या है? एक्वस ह्यूमर है और उसके भी पीछे क्रिस्टलाइन लेंस है। आइए देखते हैं एक बार। तो ये देखिए यहां पर है कॉर्निया, तो ये रहा जो हम लोगों ने पहले देखा था। उसके पीछे क्या है? एक्वस ह्यूमर, है ना। ये वाला जो पूरा पोर्शन है उसमें लिक्विड भरा हुआ है और वो लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर है। और उसके पीछे क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग आयरिस पर, है ना। बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस वी हैव अ मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आयरिस विच इज द कलर्ड पोर्शन दैट वी सी इन एन आई, है ना। हम लोग कहते हैं कि किसी की आंखें जो है वो काली है, किसी की भूरी है, किसी की ब्लू आईज है, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग किसे देख करके कहते हैं? ये जो आयरिस है ना, ये एक्चुअली यही एक्चुअली कलर्ड पोर्शन होता है जो हमारे को बताता है कि आंखों का कलर क्या है, ठीक है। तो ये कहां पर है? ये एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं प्यूपिल पर, है ना। आइए देखते हैं प्यूपिल क्या है। आयरिस हैज अ स्मॉल होल, मतलब बेसिकली प्यूपिल क्या है? एक स्मॉल होल है। आयरिस हैज अ स्मॉल होल इन इट कॉल्ड प्यूपिल। The pupil appears black because any light falling on it goes into the eye and there is almost no chance of light coming back to the outside, है ना। तो कोई भी चीज हमारे को कलरफुल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब उस पर लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में एंटर करती है। अब अगर वहां पर होल है तो उसमें लाइट एंटर करती है पर बाहर नहीं निकलती है, है ना, जिस वजह से वो हमारे को कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। तो देखिए यहां पर आयरिस तो ये रहा था, है ना। उसके बीच में आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से। तो यही एक्चुअली होल है और यही क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज क्या होता है कि जो भी लाइट फॉल करती है उसके ऊपर वो अंदर चली जाती है ना, वो बाहर नहीं आती, वो अंदर चली जाती है। इस वजह से हमें वो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। आपने ऑब्वियस है कि यू नोटिस करा होगा कि चाहे आंखों का कलर कुछ भी हो, बीच में एक पोर्शन हर आंख में होता है जो कि हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मे बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द एपर्चर ऑफ द प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ आयरिस। तो बेसिकली आयरिस का काम क्या होता है, आप देखिए। आयरिस जो है वो ये कंट्रोल करता है कि आंखों में कितनी रोशनी एंटर करेगी, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि कभी कभी हमारे को ना ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब आप सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं तो पूरा जो डार्कनेस होता है उस वजह से क्या होता है कि आपकी आंखें जो है वो ज्यादा रोशनी की डिमांड करती है, जिस वजह से क्या होता है उस केस में आयरिस जो है वो प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है। वही यहां लिखा है,
In low light condition, the iris expands the pupil. Why? To allow more light to go in. इसके अलावा बच्चों, अगर good light condition हो, है ना, रोशनी अच्छी हो, तो क्या होता है? Iris contracts the pupil, है ना, हमारे को कम रोशनी की जरूरत होती है, तो इस वजह से क्या होता है? Iris जो है वो make sure करता है कि pupil क्या हो जाए, contract कर जाए और aperture उसका छोटा हो जाए, ठीक है? तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सीलियरी मसल्स की, है ना. सीलियरी मसल्स देखिए ये रहे, है ना, यहाँ पर सीलियरी मसल्स हैं. तो सीलियरी मसल्स का काम क्या है आइए देखते हैं. एक्चुअली इनका मोटिव ये होता है कि लेंस के थिकनेस को, है ना, लेंस के थिकनेस को ये रेगुलेट करते हैं. द लेंस इज हार्ड इन द मिडल एंड ग्रेजुअली बिकम्स सॉफ्ट टुवर्ड्स द आउटर एज. ये तो हो गई लेंस की खासियत. द कर्वेचर ऑफ द लेंस में बी ऑल्टर्ड बाय द सीलियरी मसल्स टू विच इट इज अटैच्ड, है ना. तो ये सीलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस से अटैच्ड होते हैं और वो उसके कर्वेचर को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं. और ऐसा क्यों करना होता है, तो आइए सोचते हैं कि लाइट एंटरिंग द आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना, है ना. पीछे जो रेटिना है ना, ये जो रेटिना है पीछे जो वाला जो पोर्शन, यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है. तो जो लाइट रेज आती है ना, उनको वहां पर कन्वर्ज करना पड़ता है, तभी इमेज फॉर्म हो पाती है. तो अब देखिए यहां पर, द लाइट एंटरिंग द आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना विच कवर्स द इनसाइड ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल. तो देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं, कभी आप पास की चीज देखते हैं, कभी आप दूर की चीज देखते हैं. अब लेंस तो हमारे पास एक ही है ना. तो अब होता यह है कि हमारे को एक ही जगह पर इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर है, तो ऑब्वियस है एक ही चीज को चेंज किया जा सकता है और वो है फोकल लेंथ. तो बेसिकली कर्वेचर ऑफ द लेंस को चेंज करने से क्या होता है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, है ना, इसमें चेंज आता है, जिस वजह से हम लोग इमेज को कहां पर फॉर्म कर पाते हैं, शार्पली ऑन द रेटिना. तो देखिए बच्चों, हमारे को बहुत प्यारा डायग्राम यहां पर दिया हुआ है. यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना, एक बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो पैरेलल है और वो कहां पर मीट कर रही है, रेटिना पर मीट कर रही है. तो बाय डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी, है ना, आई लेंस और रेटिना के बीच की, वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, क्योंकि पैरेलल रेज यहां पर मीट करती है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं. तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड सो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना. इस समय फोकल लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है. क्यों ऐसा, क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा होगा मतलब पावर कम होगा. तो चूंकि रेज पैरेलल है तो उनको कन्वर्ज कराना फिर भी आसान है, इसीलिए पावर रिक्वायर्ड जो है वो क्या होता है, कम होता है. विच इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेटिना, द पैरेलल रेज कमिंग इनटू द आई आर देन फोकस्ड ऑन द रेटिना एंड वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है. अब ये जो मैंने बात कही कि पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराना इजी होता है, ये मैंने किसके कंपैरिजन में कहा, ये मैंने कहा एक ऐसे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो कहां पर हो, जो हमारे पास हो, है ना, आंख के बहुत ज्यादा दूर ना हो. तो वही यहां पर लिखा है कि व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन अ क्लोजर ऑब्जेक्ट, तब क्या होता है, द सीलियरी मसल्स आर स्ट्रेन्ड. शुरुआत में जब हम लोगों ने यहां पर देखा था कि जब हमारी आंखें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए फोकस्ड होती है तो उस समय सीलियरी मसल्स कैसी होती है, रिलैक्स्ड होती है ना. इसीलिए आपको, आप जब बहुत देर तक पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, अपने पास की चीजों को देखते हैं, तो यही आपको हिदायत दी जाती है कि आप थोड़ी देर जो है छत पर चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, वरांडा पे चली जाइए और वहां पर जाकर के आप दूर की चीजों को ऑब्जर्व करिए, है ना. उससे क्या होता है कि आपकी आंखों को रिलैक्स करने का मौका मिलता है, ठीक है. वरना क्या होता है, आइए देखते हैं. व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन अ क्लोजर ऑब्जेक्ट द सीलियरी मसल्स आर स्ट्रेन, सीलियरी मसल्स पे बहुत स्ट्रेन आ जाता है जिस वजह से आपकी आंखों में दर्द भी चालू हो जाता है. एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस. तो क्यों स्ट्रेन आता है सीलियरी मसल्स पर, क्योंकि अब उनकी कोशिश ये होती है कि वो आई लेंस की कर्वेचर को इस तरीके से चेंज करे सच दैट कि उसका फोकल लेंथ कम हो जाए. फोकल लेंथ कम हो जाए मतलब पावर बढ़ जाए. पावर क्यों बढ़ जाए, क्योंकि पहले तो वो कंफर्टेबल थी आंखें जब दूर की चीजों को देख रही थी, पैरेलल रेज को कन्वर्ज कराना था, लेकिन अब जब पास की चीजों को देख रही है तो पास की चीजों से जो डाइवर्जिंग रेज निकल रही है उनको भी अब उसे उसी जगह पर मीट करवाना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है. द सीलियरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ इन सच वे दैट द इमेज इज अगेन फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, है ना. इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इमेज को तो बच्चों
रेटिना पर ही फॉर्म होना है सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. और इसी प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ को कहते हैं लोग एक्कोमोडेशन. However, the muscles cannot be strained beyond the limit. है ना, आंखों पे एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा स्ट्रेस और नहीं दिया जा सकता है. तो वही यहाँ लिखा है कि however, the muscles cannot be strained beyond the limit and hence, if the object is brought too close to the eye, the focal length cannot be adjusted to form the image on the retina. और अगर रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है तो हमारे को वो इमेज ब्लर्ड दिखाई देगी. इसीलिए आप अपनी अपने हाथ को मान लीजिए कि अपनी आंखों के पास लेते आइए. जब आप बहुत पास ले आएंगे तो आपको ये भी फील हो रहा होगा कि एक तो आंखों में दर्द चालू हो गया है और दूसरी चीज कि उसकी इमेज जो है आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी. उसका रीजन यही है ना कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू क्लोज टू द आई द फोकल लेंथ कैन नॉट बी एडजस्टेड, है ना, और ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना. Thus, there is a minimum distance for the clear vision of an object. है ना, एक पर्टिकुलर आपको याद होगा बचपन में जब आप बहुत पास से पढ़ाई करते थे ना, जब आप अपने कभी कभी कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो नोटबुक को बहुत आंखों के पास ले आकर के पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप उनको यही हिदायत देते हैं कि बेटा दूर रखो, है ना, नोटबुक को थोड़ा दूर रखो क्योंकि अगर आप पास से बहुत पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, आपकी आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा. तो एक मिनिमम दूरी होनी चाहिए आपके और आपके बुक्स के बीच में या फिर आपके और स्क्रीन के बीच में, है ना. तो देखिए बच्चों, इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना. तो क्या होता है ये आइए समझते हैं. द नियरेस्ट पॉइंट फॉर विच द इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, है ना. वो दूरी जहां पर ऑब्जेक्ट को रखे जाए सच दैट की इमेज उसकी कहां पर फॉर्म हो, रेटिना पर हो, तो उसे कहते हैं क्या, नियर पॉइंट ऑफ द आई. The distance of the near point from the eye is called the least distance for clear vision. है ना, अगर हमें clear vision चाहिए तो हमारे को उस object को minimum कहाँ पर रखना होगा, minimum उस least distance for clear vision वाली दूरी पर रखना होगा. This varies from person to person and with age. है ना, ये सबके लिए same नहीं होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है. जैसे कि at a young age, say below 10 years, the muscles are strong and flexible and can bear more strain. The near point may be as close as 7 to 8 centimeter at this age. लेकिन बच्चों क्या होता है कि in old age the muscles cannot sustain a large strain and the near point shifts to large values say 1 to 2 meter or even more. इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में दादाजी हो या दादी हो तो वो जब भी अखबार पढ़ते हैं बिना चश्मों के तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता होगा कि वो अखबार को या न्यूज़पेपर को थोड़ा दूर अपनी आंखों से रखते होंगे, है ना, और तब उन्हें वो चीजें बेटर दिखाई देती होंगी. आप कभी उन्हें ऑब्जर्व करिएगा तो जरूर ये पाइएगा. वी शैल डिस्कस अबाउट दीज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड यूज ऑफ ग्लासेस इन अ लेटर सेक्शन. द एवरेज वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज जनरली टेकन टू बी 25 सेंटीमीटर, है ना, ऑन एन एवरेज. जैसे कि बच्चों के लिए 7 टू 8 सेंटीमीटर, बड़ों के लिए 1 टू 2 मीटर, मतलब बड़ों मतलब कि जो ओल्ड एज के पीपल है. तो इस हिसाब से हम लोगों ने एक एवरेज निकाला और वो एवरेज क्या आ रहा है, लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है. तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपेरेंट साइज, है ना. जैसे कि मान लीजिए आप चांद को देखते हैं तो चांद है तो बहुत बड़ा लेकिन आपको तो बहुत छोटा दिखता है. इनफैक्ट अगर आप एक 2 रुपए का सिक्का लें और चांद लें तो आप कहेंगे कि आपके नजर में तो 2 रुपए का सिक्का जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू दैट मून, है ना. तो ऐसा क्यों होता है आइए सोचते हैं. द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सेंस्ड बाय अस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है. जो हम परसीव कर रहे हैं इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. रेटिना पे उसकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है वो डिसाइड करता है कि हमें वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा. A larger image on the retina activates larger number of rods and cones attached to it and the object looks larger. है ना, ये जो rods and cones है वो एक तरीके से receiver का काम करते हैं, ठीक है. तो वो activate हो जाते हैं किससे, उन electromagnetic waves से जिसे हम light कहते हैं, है ना. A larger image on the retina activates larger number of rods and cones attached to it and the object looks larger, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम, है ना. यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं जहां पर एक औरत जो है एक इंसान को देख रही है और जब वो दूर से देख रही है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ये छोटा है और जब ये पास से देख रही है तो उसी इंसान के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी आंखों पर वो क्या है, ज्यादा है. तो अब आप एक इमेज देखिए, ये देखिए यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं,
कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट वही है ना, सेम हाइट है, लेकिन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ना, उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से एंगल जो इमेज है ना, जो इमेज हमारे आंखों पे सबटेंड कर रही है वो भी थीटा आ जा रहा है। तो पहले केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा जो है वो कैसा है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द थीटा इन द सेकेंड केस। जब वही ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चला गया तो वो हमारी आंखों पे कम एंगल सबटेंड कर रहा है, और जिस वजह से रेटिना पे जो उसकी इमेज बन रही है वो भी कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, और वो जो इमेज है वो छोटा एंगल बना रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वही देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ था कि एज इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, इफ ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द आई द साइज ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना डिक्रीजेस, है ना, एंड हेज द सेम ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम फिगर दैट द साइज ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना इज roughly proportional to the angle subtended by the object on the eye, है ना, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा वो इमेज का साइज होगा। दिस एंगल इज नोन एज द विजुअल एंगल। ये सारी बातें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो विजुअल एंगल है वही डिसाइड करता है कि जो इमेज है वो हमें कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज दिस एंगल आर्टिफिशियली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्लैरिटी। तो जो भी हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सब का पर्पस क्या होगा, ये जो एंगल है उसे बड़ा करना। कौन से एंगल को? विजुअल एंगल को, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक बहुत आसान सा सवाल देखते हैं। टू बॉयज 152 इंचेस टॉल एंड द अदर 55 इंचेस टॉल आर स्टैंडिंग एट डिस्टेंसेस 4 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एन आई, विच बॉय विल अपियर टॉलर। तो चलिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो लड़के हैं, एक की हाइट 52 इंचेस है और एक की 55 इंचेस है। 52 इंचेस वाला 4 मीटर की दूरी पर है और 55 इंचेस वाला 5 मीटर की दूरी पर है, और हमें देखना है कि ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि कौन सा लड़का जो है वो ज्यादा लंबा है। तो मान लेते हैं कि हाइट जो है ना वो एच है और डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि टैन थीटा वो कितने के बराबर आ जाएगा, एच अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, है ना। और जितना ज्यादा टैन थीटा होगा उतना ज्यादा हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा भी होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं पहले केस में 52 अपॉन 4 आ रहा है, और दूसरे केस में कितना आ रहा है ये रेशियो, 55 अपॉन 5 का आ रहा है। तो 52 अपॉन 4 कितना हो जाता है, ये तो हो जाता है 13, है ना, और जो सेकेंड केस है उसमें ये कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि 13 इज ग्रेटर देन 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि 52 इंचेस वाला जो लड़का है ना, वो हमें ज्यादा टॉल अपीयर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना, सच दैट कि वो हमारी आंख से कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं ना। ये जो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये हम लोग जानते हैं कि ये थोड़ी स्पेशल दूरी होती है ना, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और यहां पर जो है एंगल जो बन रहा है हमारी आंखों पे वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये जो एंगल थीटा नॉट बन रहा है इस समय, ये वो मैक्सिमम एंगल है जो ये ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे सबटेंड कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है एंगल बढ़ रहा है, पर वो ठीक से हमारे रेटिना पे तो इमेज उसकी फॉर्म ही नहीं हो रही है। तो हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में कहेंगे कि हम लोग अगर इमेज देख पा रहे हैं तो कब देख पा रहे हैं ठीक से, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ठीक है। तो वही देखिए यहां पर लिखा है कि व्हेन वी व्यू एन ऑब्जेक्ट विथ नेकेड आइज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड समवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड द नियर पॉइंट, है ना। द मैक्सिमम एंगल इज सबटेंडेड ऑन द आई व्हेन, कब ऐसा होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट हमें पता है डी है 25 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन डी, है ना। यहाँ पर टैन थीटा नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट के बराबर। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे एंगल्स को क्या मान रहे हैं, स्मॉल एंगल्स मान रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे को ये पता ही है कि एच जो है वो क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो कैपिटल डी है वो क्या है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। अब बच्चों ये तो नेकेड आई से जो एंगल बन रहा है ना वो है, मैक्सिमम एंगल ये रहा, लेकिन इस एंगल को एक्चुअली और बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। दिस एंगल कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड इफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ
शॉर्ट फोकल लेंथ का सिग्निफिकेंस मैं आपको अभी बताऊंगा, इज प्लेस्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द आई. व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इट इज कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफायर. तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं पहला केस. और पहला केस है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फर्स्ट फोकस. तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट फोकस पे अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो क्या होगा, जो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन है ना, लेंस के थ्रू जब रेज क्रॉस करेंगी और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, तो उसके बाद रेज जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसे ये जो पैरेलल रेज आती हुई दिखाई देंगी, उससे उसे क्या लगेगा कि जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है. और यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है कि ऑल दो जो इमेज का साइज होगा वो इन्फिनिटी इन्फाइनाइट होगा, लेकिन जो आंखों को जो साइज पता लगेगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, वो होगा इस थीटा एंगल पे डिपेंडेंट है ना. क्योंकि आप देखिए कि ऑल दो ये जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन वो बहुत दूर भी तो बनेगी, और जो इमेज है वो आंखों पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, वो थीटा एंगल ही तो सबटेंड करेगी. क्लियर है ये बात? तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो देख पा रहे हैं वो ये है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस पे रख रहे हैं तो जो एंगल थीटा जो सबटेंड होगा इसकी आंखों पे वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ के बराबर. अब बच्चों यहाँ पर हमने जो लेंस रखा है उसका फोकल लेंथ जो है वो हमने, याद है हमने अभी भी बात करी थी कि शॉर्ट फोकल लेंथ यूज करेंगे, तो फोकल लेंथ जो है वो डी से छोटा है. तो आइए उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं. हम लोग मैग्निफिकेशन को यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्निफिकेशन हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा नॉट के बराबर. थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो इमेज का हमारी आंखों पे सबटेंड हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस लेंस. और थीटा नॉट क्या है कि अगर लेंस नहीं होती और नेकेड आई से हम लोग देखते तो मैक्सिमम हमें क्या साइज ऑब्जेक्ट का दिख पाता. तो मैग्निफिकेशन जो है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एज थीटा अपॉन थीटा नॉट. और इस केस में थीटा कितना आ रहा है, एच अपॉन एफ आ रहा है. अगर मैं उसे डिवाइड करूँ थीटा नॉट से, और थीटा नॉट कितना था, वो था एच अपॉन डी है ना, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था. तो यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना आ गया, डी अपॉन एफ आ गया. और अगर एफ जो है वो डी से छोटा है तो ऑब्वियस है कि ये जो मैग्निफिकेशन आया ये क्या आया, मोर देन वन आया है ना, मतलब इमेज जो है वो कैसी है, मैग्नीफाइड है. तो बच्चों हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि थीटा जो है वो क्या हो रहा है, थीटा नॉट से बड़ा हो जा रहा है. ठीक है, तो बच्चों देखिए वही बात यहाँ पर लिखी है कि हेंस द आई परसीव्स अ लार्जर इमेज देन इट कुड हैव हैड विदाउट द माइक्रोस्कोप है ना. विदाउट द माइक्रोस्कोप हम लोग समझ रहे हैं कि थीटा नॉट एंगल बनता रेटिना पर, लेकिन अब कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है जो कि ऑब्वियसली क्या है, थीटा नॉट से ज्यादा है. एज द इमेज इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी द सीलियरी मसल्स आर लीस्ट स्ट्रेन टू फोकस द फाइनल इमेज ऑन द रेटिना है ना. जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब इन्फिनिटी पे इमेज होती है ना, जब हमारे को इमेज कहाँ पर दिखाई देती है, इन्फिनिटी पर, तब जो सीलियरी मसल्स है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है. और यही मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि जब आप बहुत देर तक पढ़ाई कर लें तो बीच में बाहर निकल के आप दूर दूर की चीज़ों को देखिए, आपकी आंखों को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा. ठीक है, तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट. ठीक है, अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है, वो कितने के बराबर होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट के. जहाँ थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई व्हेन द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड. और थीटा नॉट क्या था, थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड ऑन द नेकेड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट है ना. नियर पॉइंट पे होने पर उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम थीटा वाली इमेज हमारी आंखों पे बनती है ना. दिस इज ऑल्सो नोन एज द एंगुलर मैग्निफिकेशन. ठीक है, Thus, the magnifying power is the factor by which the image on the retina can be enlarged by using the microscope. ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि केस वन हमारा क्या था, when the object is kept at first focus, और उस केस में हमने देखा कि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर, और जो थीटा है वो कितना है, एच अपॉन एफ. और इस केस में मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास कितना आ रहा था, डी अपॉन एफ के बराबर आ रहा था. और चूंकि f जो है वो d से छोटा था, इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इमेज जो है वो मैग्निफाइड थी. ठीक है, और बच्चों यहां पर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, किसके कंपैरिजन में हम लोग कह रहे हैं मैग्निफाइड है, उस साइज के जो हम लोग नेकेड आई से देखते, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रहता, वो कैपिटल d डिस्टेंस दूर रहता.
ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं केस टू में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, फोकस पे रख रहे थे, है ना। अब फोकस पे रखने पे क्या हो रहा था कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी और हम लोगों ने थीटा निकाल लिया था उस केस में, और मैग्निफिकेशन कितना आ जा रहा था, मैग्निफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि वो आ जा रहा था डी अपॉन एफ, और वो कब हो रहा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस से और पास ला रहे हैं, मतलब फोकस और लेंस के बीच में ले आ रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से टूवर्ड्स द लेंस ला रहा हूं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इमेज भी जो है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो पहले इमेज जो है वो बन रही थी किधर, इन्फिनिटी पे। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को किधर ला रहा हूँ, लेंस के पास ला रहा हूँ, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे जो इमेज है वो भी टूवर्ड्स राइट खिसकती जा रही है। अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है ना, वो एक ऐसी जगह पर हो, लेट अस से कि वो लेंस से यू नॉट डिस्टेंस की दूरी पर हो, सच दैट कि जो इमेज है वो कहां पर बने, वो डी डिस्टेंस की दूरी पर बने। तो ये जो आईज है उसे क्या लगेगा कि जो इमेज है वो कहां पर है, वो उससे डी डिस्टेंस की दूरी पर है। अब इससे और आगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं ले जा सकते हैं, अगर और आगे ऑब्जेक्ट को ले जाते तो ऑब्वियस है कि जो एंगल सबटेंड होता है ना आईज पर, वो और भी ज्यादा होता, पर हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे कि वो हमारे को ठीक से विजिबल नहीं होता, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब ये जो डायग्राम में मैंने शो कर रखा है, जब ये पोजीशन आ जाएगी, जब ये ओरिएंटेशन आ जाएगा, तो इस समय क्या होगा, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन अटेन होगा, क्योंकि जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, डी डिस्टेंस की दूरी पर बन रही है ना। और आप समझ पा रहे हैं कि इस समय जो थीटा डैश आएगा वो क्या होगा, वो हाईली मैग्निफाइड होगा, और इससे ज्यादा थीटा ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वही यहां पर लिखा है कि द मैग्नीफाइंग पावर कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट स्टिल क्लोजर टू द लेंस। सपोज वी मूव द ऑब्जेक्ट टू अ डिस्टेंस यू नॉट फ्रॉम द लेंस सच दैट द वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। तो बच्चों इस केस में हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमारी आईज जो है उनपे स्ट्रेन पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर एग्जैक्टली डी पर बन रहा है ना। तो ये जो केस है ये होगा स्ट्रेन्ड आई का, मतलब इमेज अच्छे से बनेगी पर हाँ आंखों पे स्ट्रेन जरूर आएगा, क्योंकि जो इमेज है वो कहां बन रही है, हमारे नियर पॉइंट पर, ठीक है ना। तो अब यहां पर चलिए कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस के लिए तो होता ही। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग v को क्या ले लेंगे, v को माइनस डी ले लेंगे। माइनस डी क्यों लिया मैंने, क्योंकि d जो है वो यहां से यहां तक की दूरी है और लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, इसलिए मैंने माइनस डी ले लिया। इसके अलावा देखिए u की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस यू नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, यू नॉट डिस्टेंस की दूरी पर, है ना, फ्रॉम द लेंस। तो इसलिए यहां पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू नॉट के बराबर। तो अब देखिए हम लोग फॉर्मूले में इसे पुट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-d - 1/u के बदले लिख देंगे माइनस यू नॉट इज इक्वल टू 1/f के बराबर, ठीक है। तो चलिए इस पूरे को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1 - d / u0 = d / f, है ना। तो इसको फर्दर देखते हैं कि ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है d/u0 = 1 + d / f के बराबर। तो बच्चों इस केस में हमारे को मैग्निफिकेशन अब चाहिए ना, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट, है ना। और थीटा डैश कितना हो जाएगा, तो आइए डायग्राम में देखते हैं। थीटा डैश की जो वैल्यू है वो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि वो h अपॉन यू नॉट भी कहलाई जा सकती है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, h अपॉन यू नॉट, और थीटा नॉट तो खैर हमें पता ही है कि वो h अपॉन d होता है। तो यहां से ये क्या आ गया, d अपॉन यू नॉट के बराबर आ गया। अब d अपॉन यू नॉट देखिए हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया, 1 + d / f के बराबर आ गया। तो आपको ध्यान होगा बच्चों कि जो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस था उसमें मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ d अपॉन f आ रहा था, लेकिन इस बार मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 1 + d / f। तो हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट करा था कि ये जो स्ट्रेन्ड आई वाला केस है, जब इमेज कहां बन रही है, डी डिस्टेंस दूर बन रही है, तो ऑब्वियस है कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया, और भी ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिए कि द मैग्नीफाइंग पावर इज रिटन विद अ यूनिट एक्स। तो कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा रहता है कि
कि ये जो मैग्नीफायर है वो 10x मैग्नीफायर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्निफिकेशन वो प्रोड्यूस कर सकता है वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो बच्चों अब तक हम लोगों ने पढ़ाई करी है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये भी एक माइक्रोस्कोप है, पर इस बार जो है हम लोग दो दो लेंसेज का यूज करते हैं, और जो दोनों ही लेंसेज है वो कैसी है, कन्वर्जिंग इन नेचर है। ठीक है, तो एक लेंस जो ऑब्जेक्ट को फेस करती है वो कहलाती है ऑब्जेक्टिव, और दूसरी लेंस जो आंखों के ज्यादा पास होती है वो कहलाती है आईपीस। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आईपीस का जो एपर्चर होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव के एपर्चर से। ठीक है, अब जैसा कि यहां पर हम लोग रे डायग्राम देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिससे सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, इससे जो निकलने वाली रेज है उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी वजह से एक इमेज बन रही है, और वो जो इमेज है वो एक्ट कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, और फर्दर उस इमेज का भी क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लोग सोच सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव ने, है ना, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज है उसको 2 times मैग्निफाई किया फॉर एग्जाम्पल, और जो आईपीस है उसने 3 times मैग्निफाई किया, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 times हो जाएगा, है ना। तो वही देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इन इफेक्ट द आईपीस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज टू व्यू द फर्स्ट इमेज, दस द मैग्निफिकेशन बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ 2-step प्रोसेस। इन द फर्स्ट स्टेप द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द आईपीस प्रोड्यूसेस एन एंगुलर मैग्निफिकेशन, द ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग को समझते हैं, कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करा दूं कि जब हम लोग थीटा नॉट की बात कर रहे थे तो वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था एच अपॉन डी के बराबर। यहां पर जो थीटा नॉट था, है ना, वो हम लोग देख पा रहे थे कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रहा था, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहां पर एच अपॉन डी इज इक्वल टू थीटा नॉट, इसको क्या कह देंगे कि ये पॉजिटिव है। लेकिन इस बार देखिए क्या हो रहा है कि जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किधर है, नीचे की तरफ है। तो इस बार हम लोग ये देख सकते हैं कि जो थीटा डैश है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात। तो थीटा डैश जो है उसे हम लोग कितना कह देंगे, उसे हम लोग कह देंगे एच डैश अपॉन, यहां पर देखिए ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की वो यूई मेंशनड है, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन यूई। और हम लोग यहां पर जानते हैं कि एच डैश जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, इनवर्टेड बनी है। ठीक है, तो थीटा नॉट पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग देख रहे थे ये एंगल जो बना रहा था वो ऊपर की तरफ बना रहा था, और इस बार जो एंगल है वो नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि थीटा नॉट और थीटा डैश, है ना, इनका जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल जो है ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एक्सिस पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट होता है। थीटा डैश अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वो एच डैश अपॉन यूई आ रहा था, और थीटा नॉट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो एच अपॉन डी आता है, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ गया, एच डैश अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन यूई के बराबर। ठीक है, अब जरा देखिए बच्चों यहां पर कि ये जो एच डैश अपॉन एच है ये क्या है, है ना। तो एच डैश अपॉन एच जो है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके द्वारा मैग्निफिकेशन को हम लोग एच डैश अपॉन एच कहेंगे, है ना। तो एच डैश अपॉन एच जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट, क्योंकि आपको याद होगा एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वी अपॉन यू, है ना। तो यहां पर v का रोल कौन प्ले कर रहा है, v का रोल v नॉट प्ले कर रहा है, और u का रोल कौन प्ले कर रहा है, u का रोल माइनस u नॉट प्ले कर रहा है ना। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि u नॉट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से, लेकिन u जो है वो तो कोऑर्डिनेट होता है, तो यहां पर u का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस u नॉट प्ले कर रहा है। तो यहां पर बच्चों में एच डैश अपॉन एच को क्या लिख सकता हूं,
माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट, है ना, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है, वी अपॉन यू का, विच इज मैग्निफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो बच्चों बड़े आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है एच डैश अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू ई, तो इसमें जो एच डैश अपॉन एच है वो क्या है, मैग्निफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो दूसरा टर्म है डी अपॉन यू ई, ये इसको क्या होना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन बिकॉज ऑफ आई पीस ही होना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैग्निफिकेशन हमारे पास फिलहाल कितना आ गया है, वी अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू ई, जहां पर v अपॉन यू क्या है मैग्निफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव, और d अपॉन यू ई क्या है मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, है ना. तो अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे को याद है कि जो आई पीस है ना, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, जो कि इमेज जो कि ऑब्जेक्टिव ने बनाया था उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और उसकी भी एक मैग्निफाइड इमेज बना रहा है ना. तो हम लोग यहां पर सोच सकते हैं कि दो केसेस बनाए जा सकते हैं, एक तो हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस, है ना. नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में आपको ध्यान होगा कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बनती है, इन्फिनिटी पर, एक केस तो ये हो जाएगा. और दूसरा केस कौन सा हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा स्ट्रेंड आई वाला. स्ट्रेंड आई वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बनेगी, डी डिस्टेंस दूर बनेगी लेंस से, है ना. मतलब कि जो आईज है उससे डी डिस्टेंस की दूरी पर उसे इमेज दिखाई देगी. ठीक है, तो पहले केस में हम लोग मैग्निफिकेशन कितना बोल देंगे, वी अपॉन यू, इसको तो एज इट इज में रख रहा हूं. लेकिन जो डी अपॉन यू ई है, आपको याद होगा कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, है ना, मैग्निफिकेशन क्या बन जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, वो बन जाता है डी अपॉन एफ. तो यहां पर एफ किसका यूज करेंगे, आई पीस का, है ना, तो डी अपॉन एफ ही हो गया. और इसी तरीके से मैग्निफिकेशन अगर स्ट्रेन्ड आई का केस लें तो उस केस में क्या हो जाएगा, v अपॉन यू को तो एज इट इज मैं रख रहा हूं, और जो आई पीस वाला है ना, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आपको याद होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाता है, तो यहां पर मैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ई लिख दूंगा. तो हमारे पास देखिए दो दो रिजल्ट और आ गए, है ना. एक तो आ गया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, और स्ट्रेन्ड आई के केस में मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है. ठीक है, अब बच्चों हम लोग इस v अपॉन u वाले टर्म को, जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं छेड़ा है, अब उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं लेंस का फॉर्मूला यूज करूं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, देखिए अगर पूरी इक्वेशन को मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f के बराबर. अब मैं बात कर रहा हूं किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ना, v अपॉन u किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव के लिए था. तो यहां पर देखिए मैं क्या लिख दूंगा, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि 1 माइनस वी अपॉन यू, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा वी अपॉन एफ ओ के बराबर, है ना. यहां पर एफ ओ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है. तो हमारे पास देखिए वी अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1 माइनस वी अपॉन एफ ओ के बराबर. इसके अलावा बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमारे को एक और जानकारी होनी चाहिए, और वो ये है कि इन जनरल जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होता है ना, वो बहुत छोटा होता है. और आप ये देख पा रहे हो कि अगर v अपॉन एफ ओ में एफ ओ अगर बहुत छोटा है तो v अपॉन एफ ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की कंपैरिजन में तो खैर बहुत बड़ी हो जाएगी. साथ ही साथ जो पहली इमेज बनती है वो आई पीस के बहुत पास बनती है. आइए मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो इमेज है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पहली इमेज बन रही है वो एक्चुअली कहाँ पर बनती है, वो आईपीस के बहुत पास बनती है. ठीक है, तो ये जो इमेज है ऑलमोस्ट यहां पर बनती है, जिस वजह से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो वीओ है ना, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है इन दोनों लेंस के बीच का. और इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वीओ है ना, वो इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है, या फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना, माइक्रोस्कोप ट्यूब के लेंथ के बराबर भी हम लोग वीओ को कह सकते हैं. तो देखिए बच्चों इसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि ऑल्सो द फर्स्ट इमेज इज क्लोज टू द आई पीस, सो दैट ये जो v है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू l, जहां पर l क्या है, ट्यूब लेंथ है ना. और ट्यूब लेंथ का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस. तो देखिए बच्चों ये जो v अपॉन u है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ, है ना, क्योंकि 1 जो है वो
वी अपॉन एफ ओ के सामने क्या है, बहुत ही छोटा है। और यहां पर वी को मैंने वी ओ क्यू लिख दिया, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो इमेज कितनी दूर बना रहा था, वी ओ की डिस्टेंस पर बना रहा था। तो v की वैल्यू कितनी हम लोग लिख सकते हैं, वी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वी ओ है वो भी अगेन किसके बराबर हो जाएगा, वी ओ जो है वो एल के बराबर हो जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये किसके बराबर हो गया, v अपॉन यू फाइनली माइनस एल अपॉन एफ ओ के बराबर, ठीक है। तो हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि v अपॉन यू को किससे रिप्लेस करा जा सकता है, माइनस एल अपॉन एफ ओ से। तो बच्चों इस v अपॉन यू की वैल्यू को अगर हम लोग फाइनली रिप्लेस कर दें किससे, माइनस एल अपॉन एफ ओ से, तो देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। और इसी तरीके से बच्चों स्ट्रेन आई के केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, v अपॉन यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस एल अपॉन एफ ओ। तो स्ट्रेन आई के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस एल अपॉन एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय 12.2 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू फोकस इट प्रॉपरली सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो देखिए बच्चों अगर सवाल को एनालाइज करें तो यहां पर हम लोग सबसे पहली चीज ये देख पा रहे हैं कि जो फाइनल इमेज बननी चाहिए है ना, वो कहां पर बननी चाहिए। मैं VE को लिख सकता हूं माइनस 25 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि आईपीस से जो फाइनल इमेज है वो कितना दूर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर। साथ ही हमारे को FE है ना, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, वो दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर कॉनवेक्स लेंस है इसलिए मैंने फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो देखिए VE पता है, FE पता है, तो हम लोग UE निकाल सकते हैं, है ना, मतलब कि जो हमारे पास जो आईपीस है उसको ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाई गई इमेज कहां पर दिखाई देगी, और वो इमेज एक्चुअली एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो चलिए हम लोग यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f वाला, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास 1 अपॉन u कितना आ जाएगा, 1 अपॉन u आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v के बदले लिख देंगे माइनस 25 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम हो जाएगा 25, तो मैं लिख दूंगा माइनस 1 और इधर आ जाएगा माइनस 5, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी हमारे पास माइनस 25 अपॉन 6। तो यहां से हमारे पास ue है ना, ue कितना आ जाएगा, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों अभी तक का रे डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का बनाया जा सकता है ना। हमारे को क्या दिया हुआ है कि जो दोनों लेंसेज हैं उनके बीच का सेपरेशन 12.2 सेंटीमीटर का है, और हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि जो आईपीस है उसे ये जो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई वो कितनी दूर नजर आ रही है, यूई इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमारे को ये पता लग गया कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो उसने इमेज बनाई वो कितनी दूर है। तो ये जो दूरी है ये हम लोग बड़े आराम से अब कह सकते हैं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4.2 है, ये 12.2 है, तो ये लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गई। साथ ही साथ देखिए हमारे को फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव वो दे रखा था, और वो कितना दे रखा था, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग एफ ओ की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ VO की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए हमारे को क्या मिल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना दूर था इस ऑब्जेक्टिव से, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो यहां से 1 अपॉन u कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। तो देखिए यहां से 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 को मैं 8 अपॉन 8 भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा
वन अपॉन यू हमारे पास आ जाएगा माइनस सेवन अपॉन एट सेंटीमीटर, सॉरी माइनस सेवन अपॉन एट है ना, और डेनोमिनेटर में सेंटीमीटर रहेगा, तो यहां से यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एट अपॉन सेवन सेंटीमीटर, जो कि ऑलमोस्ट कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस 1.1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले पार्ट का तो जवाब निकाल लिया, और पहले पार्ट का जवाब क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर होना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव से, 1.1 सेंटीमीटर है ना। तो अब आते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो बच्चों इस बार फाइनल इमेज जो है वो डी डिस्टेंस दूर बन रही है, तो यहां पर मैग्निफिकेशन हम लोग क्या यूज करेंगे, वी अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है ना, ये यूज करेंगे हम लोग। तो बच्चों यहां पर वी की वैल्यू जो है ना, वी की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, वी एक्चुअली वीओ था, जो कि कितने के बराबर है, 8 सेंटीमीटर। यू जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो एक्चुअली माइनस ऑफ यू है जो हमने अभी अभी निकाला था, और उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ डी जो है वो तो होता है 25 सेंटीमीटर, और एफ ई की वैल्यू हमारे को दी हुई थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम लोग मैग्निफिकेशन कितनी बोल देंगे, 8 अपॉन माइनस 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 8 48, तो माइनस 48 अपॉन 1.1। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस 44। ठीक है ना, तो इस सवाल में आपने देखा होगा यहां पर कि मैंने m इज इक्वल टू v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस d अपॉन fe का यूज करा है ना, मैंने यहां पर v अपॉन u को जो है माइनस l अपॉन fo नहीं यूज करा, क्योंकि इस केस में हम लोग देख पा रहे कि जो v अपॉन fo है ना, v अपॉन fo है वो बहुत बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू 1, इसीलिए हम लोगों ने वो अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज नहीं करा। ठीक है, चलिए बच्चों तो आज के लेक्चर के आखिरी सवाल को देखते हैं। सवाल है द सेपरेशन एल बिटवीन द ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है एंड द आईपीस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7 सेंटीमीटर, वेयर शुड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द आई इज लीस्ट स्ट्रेन टू सी द इमेज, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। तो देखिए बच्चों पिछला केस जो हम लोगों ने देखा था सवाल का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो स्ट्रेन पड़ रहा था आंखों पर वो सबसे ज्यादा था, और इस बार हमसे बोला गया है कि स्ट्रेन जो है वो कम से कम पड़े, तो इसका मतलब फाइनल इमेज इस बार कहां पर बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर बननी चाहिए है ना। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करा जाए। तो देखिए बच्चों इस सवाल के लिए हम लोग रे डायग्राम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पर बने, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई है वो कहां पर होनी चाहिए, इस दूसरे लेंस है ना, ये जो दूसरा लेंस है जो कि आईपीस कहलाता है उसके फर्स्ट फोकस पर होना चाहिए, और हमारे को दिया हुआ है कि फोकस फॉर द आईपीस वो 5 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज 7 सेंटीमीटर था, और हमारे को ये समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज एंड दिस आईपीस वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो वी ओ होगा है ना, वी ओ होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ हमारे को एफ ओ कितना दे रखा है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर है ना, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन यू है ना, 1 अपॉन यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, सही है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, माइनस 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मतलब 1/2 है ना, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 2, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3/2 के। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव से
कितनी दूरी पर होना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है दिस शुड बी इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड पार्ट में हमसे मैग्निफिकेशन पूछा था, तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई, है ना, यही हम लोग यूज करते हैं जब इमेज कहाँ बन रही हो, फाइनल इन्फिनिटी पर। अब यहां पर देखिए ये जो वी होता है ये एक्चुअली कौन सा वी होता है, ये होता है वीओ, और ये जो यू होता है ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है माइनस ऑफ यूओ, है ना। और एफ ई की वैल्यू जो है वो हमारे को दे रखी है, वो है 5 सेंटीमीटर, और डी हमें पता ही है कि वो 25 सेंटीमीटर है। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। अब ये जो वी ओ था, है ना, जो वी ओ था वो हमारे को पता है कि उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, हमने यू ओ निकाला अभी अभी, है ना, तो यू ओ कितना आया था, वो आया था हमारे पास 2/3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25/5 विल बी 5, तो हमारे पास ये कितना आ गया, -15 आ गया, है ना। तो मैग्निफिकेशन का जवाब क्या आ गया, -15, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और इनफैक्ट पूरा का पूरा लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन केस अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।